रेलवे ग्रुप डी खत्म। अब बात ये आती है कि सर आप क्या करें, तो अब जो करना है आपको किन एग्जामों की तैयारी करनी है, जिसका सिलेबस ग्रुप डी के सिलेबस यानी रेलवे ग्रुप डी के सिलेबस से बिल्कुल हूबहू मिलता जुलता होगा। और हाँ, जितनी तैयारी आपने जितनी शिद्दत के साथ रेलवे ग्रुप डी दिया है, उसमें कुछ बच्चे चयनित हो जाएंगे, कुछ छूट जाएंगे। तो जो बच्चे छूट जाएंगे उनके लिए खास तौर पर कि रेलवे ग्रुप डी से मिलते जुलते एग्जाम की तैयारी करें, जिसमें सिलेबस लगभग लगभग जो होता है वो बिल्कुल सेम सेम होता है। तो यहां पर मैं आज आपको उन परीक्षाओं के विषय में बताने वाला हूं जिनके फॉर्म दिसंबर तक में आने की पूरी पूरी संभावना है, पूरी पूरी उम्मीद है कि दिसंबर तक फॉर्म आ जाएंगे। और उनका जो सिलेबस होता है भाई साहब, रेलवे ग्रुप डी के सिलेबस से बिल्कुल डिट्टो मैच खाता हुआ, 90% मैच खाता हुआ मिलता है। यानी कि आपको 10% सिर्फ मेहनत और करनी ले पाएगी और आप सिलेक्शन पा जाएंगे। और हर एक विद्यार्थी जो तैयारी कर रहा होता है उसका सपना यही है मेरे ख्याल से कि सिलेक्शन पाना है। अब इस सिलेक्शन एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़कर पाया जा सकता है, जिसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है। दिमाग, फोकस और डायरेक्शन दोनों सही होना है। और एक बच्चा जो बहुत ज्यादा मेहनत करता है लेकिन जिसकी डायरेक्शन सही नहीं होती है, उसको सिलेक्शन लेने में समय लग जाता है। ये दो फर्क होते हैं जल्दी सिलेक्शन लेने वालों में और जल्दी जिनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो खास तौर पर उन बच्चों के लिए संबोधन है ये, जिनका सिलेक्शन रेलवे ग्रुप डी में होने से बाई चांस किसी भी कारणवश से चूक जाता है, या फिर जिनका हो भी जाता है वो अपने अच्छे के लिए ग्रुप सी के एग्जाम के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं, तो अपकमिंग वैकेंसीज जो हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो जानते हैं कौन कौन सी, वीडियो में साथ में बने रहना, पूरा वीडियो अंत तक देखना, आपको मजा आएगी। चलिए, एक सबसे बड़ी बात होती है कि जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी का फॉर्म भरते हैं तो होता क्या है, अमूमन जो हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म भरने के बाद तैयारी करना शुरू करते हैं। हम लोगों से मतलब जब मैं अपने विद्यार्थी जीवन काल में था तो मैं भी यही करता था, लेकिन जैसे जैसे अनुभव हुआ, सिलेक्शन लिया, कई सारी परीक्षाओं को क्रैक किया, तो उससे ये पता चला कि भाई फॉर्म भरने के बाद तैयारी का जो समय होता है वो काफी कम हो जाता है अगर परीक्षा सही समय पर होती है। तो अगर तैयारी करके फॉर्म भरा जाए तो उसका एक अपना अलग इफेक्ट पड़ता है और आपका कॉन्फिडेंस भी बड़ा मजबूत होता जाता है कि अरे भाई साहब मेरा तो अब तो होगा ही होगा, क्योंकि मैंने तैयारी करी है और फिर उसके बाद फॉर्म भरा है। फॉर्म भरने के बाद तैयारी करने वाले बच्चों की संख्या 95%, लेकिन तैयारी करके फॉर्म भरने वाले बच्चों की संख्या सिर्फ 5% होती है। और ये 5% बच्चे ही सबसे पहले सिलेक्शन की ओर कदम बढ़ा देते हैं और सबसे पहले सेलेक्ट भी होते हैं। अब आपको ये निर्णय करना है, आपको ये डिसाइड करना है कि आप उन 95% बच्चों में आते हैं जो फॉर्म भरने के बाद तैयारी शुरू करेंगे, या फिर आप उन 5% बच्चों की तरीके, उन 5% विद्यार्थियों की तरीके, एस्पिरेंट की तरीके बनना चाहते हैं जिनकी तैयारी फुल होने के बाद वो फॉर्म भर देते हैं। तो ये बेसिक फर्क होता है जो सिलेक्शन के और करीब लेकर जाता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं उन परीक्षाओं को जिसके में जिसका सिलेबस ग्रुप डी से बिल्कुल मैच करता हुआ होता है रेलवे के एग्जाम से, और उसमें मैथ्स का वेटेज कितना होता है, यानी आपको कितना मेरे साथ जुड़ना है। मैं जितनी भी परीक्षा यहां पर आपको बताऊंगा, मैथ्स का सबसे अच्छा वेटेज सभी में होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और चीजों को समझते हैं। सबसे पहले ये है परीक्षाओं के नाम जिसमें मैथ्स का वेटेज होता है अच्छा खासा। अच्छा खासा वेटेज होने का मतलब यानी कि इन सभी परीक्षाओं में मैथ्स आनी ही आनी होती है कन्फर्मली, और सभी के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है मतलब फॉर्म भरने की जो योग्यता होती है वो लगभग लगभग ग्रुप डी के एग्जाम जैसी ही होती है। ठीक, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है वो आप देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आरआरबी जेई की, तो इसके फॉर्म की बात करते हैं कि इसका फॉर्म कब तक आ जाएगा, तब तक हम लोगों को क्या करना है। तो भाई फॉर्म इन सभी परीक्षाओं के होप्स हो सभी की सभी परीक्षाओं के दिसंबर तक आ जाएंगे, और अभी चल रहा है अक्टूबर, अक्टूबर से दिसंबर 2 महीने, 2 महीने में बहुत अच्छी तैयारी की जा सकती है पाठशाला रेलवे की टीम के साथ जुड़कर आरआरबी जी। उसके बाद आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले कई सारे न्यूज़पेपर की हेडिंग कटिंग में ही आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स की परीक्षा छाई हुई थी, क्योंकि इसकी भी 9400+ वैकेंसी की घोषणा होने की संभावनाएं हैं पूरी पूरी, और मुझे लगता है ये 9400 वैकेंसी दिसंबर के महीने तक आ जाएंगी और एक अच्छी खासी वैकेंसी है इसकी संख्या की। फिर एएलपी एंड टेक्नीशियन, असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की भर्ती है जिसमें भी मैथ्स का वेटेज अच्छा खासा होता है, अभी मैं उसको भी आपको आगे बताऊंगा, और ये भर्ती भी दिसंबर तक आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। उसके बाद यूपीपी कांस्टेबल, इसकी बात करें तो इसमें लगभग लगभग 60,000+ वैकेंसी की घोषणा है, जिसके लिए यूपी गवर्नमेंट लगातार कमेटी गठित कर रही है, उस पर बात कर रही है ताकि इसमें होने वाली दुविधाओं को लगातार वो दूर करती रहे।
तो मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर के आखिरी महीने तक इसकी भी वैकेंसी, दिसंबर के लास्ट सप्ताह तक इसकी भी वैकेंसी आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। और इन सभी का जो सिलेबस होता है वो ग्रुप डी से मिलता जुलता है। अब जैसे किसी परीक्षा में कुछ एक्स्ट्रा चीजें आ जाती है, एक और बात कर लेते हैं एसएससी जीडी की। एसएससी जीडी की बात किया जाए, ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर इसमें जो एसएससी में होता है, तो अभी एसएससी ने इसके लिए 60,000 के आसपास की वैकेंसी की घोषणा कर दी है। यानी लगभग आप ये मान के चलो, हम नहीं 60,000 मानते हैं, हम ये कह देते हैं कि इसकी आधी भी आए। चलो 60,000 की घोषणा किया, मैंने कहा मैं मान लेता हूं कि इसकी 60,000 नहीं आ रही, इसकी आधी आ रही, 30,000 मान लेता हूं मोटा मोटा, है तो इससे काफी ज्यादा। तो मैं अगर इसकी 30,000 वैकेंसी भी मान लेता हूं तो टोटल अगर आप देखिए 30, 60, 90 और यहां पर 10,000, 90, 10 1,00,000 हो गई। एएलपी टेक्नीशियन की 3,500 या 5,000 के आसपास वैकेंसी, 1,05,000 जेई की बेसिक, यानी फिर से आपके पास दिसंबर तक मौका है 1,10,000 वैकेंसी में अपने आप को देखने का। तो जैसा मैंने आपको अपनी क्लासेस में बोला था कि अपकमिंग जो है लगभग 1.5 लाख वैकेंसियां हैं जो आपका इंतजार कर रही कि आप कितना अपने आप को सक्षम बनाकर उस एग्जाम के लिए तैयार हो पा रहे हो, फिर बाद में पछतावा नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि रेलवे पुलिस फोर के एग्जाम की बात करें तो यहां पर ये सारे सब्जेक्ट आते हैं। इसमें अर्थमेटिक सबसे पहली बात और सबसे बड़ा फायदा इसका यह है कि इसमें एडवांस मैथ आती ही नहीं है। रेलवे पुलिस फोर्स में एडवांस मैथ का पोर्शन नहीं होता, सिर्फ अर्थमेटिक आती है, वो भी 35 नंबर की, 35 क्वेश्चन, एक अच्छा वेटेज। तीसरा सब्जेक्ट रीजनिंग है, ये 3 सब्जेक्ट। और अब की बार रेलवे पाठशाला क्या करेगा, पाठशाला रेलवे एग्जाम आपको लगभग 4 सब्जेक्ट के क्लास को देना शुरू करेगा। अभी तक मैं और योगेश सर सिर्फ मैथ और साइंस की क्लास दे रहे थे, अब आपको एक नए टीचर के साथ, 2 नए टीचर के साथ और भी जो बाकी सब्जेक्ट हैं वो भी आपको मिलने वाले हैं। तो यहां पर 35 में 35 नंबर की घोषणा हो गई। अच्छा, इस बैच की जो यूट्यूब पर होने वाला है, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं चारों टीचर आपको पढ़ाएंगे, यूट्यूब पर इसकी घोषणा होगी और संडे को हम लोग इसकी घोषणा करेंगे और ये रिवील करेंगे कि कौन से टीचर आपको क्या सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। ठीक, अगली एग्जाम की बात करें तो यूपीपी कांस्टेबल की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा में, जिसमें ये सारी चीजें आती हैं, हिंदी एक्स्ट्रा हो जाती है। और यहां पर अगर मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स 38 नंबर की होती है। क्या होता है इसमें, कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 क्वेश्चन 300 नंबर के होते हैं, हर एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। यहां पर मैथ 38 नंबर की आती है, हिंदी 37 नंबर की आती है, इसके बाद जीके 38 नंबर की होती है और रीजनिंग 37 नंबर की होती है। इस तरीके से इसका हिसाब होता है, 150 क्वेश्चन 300 नंबर के, यानी मैथ का देखा जाए अगर वेटेज तो 150 क्वेश्चन में 20% से ज्यादा का वेटेज। इसको अगर हम 40 मान लेते हैं तो 40/150 अगर किया जाए तो कितना आ जाएगा, 1/4 लगभग, यानी 25% का वेटेज लेकर चल रहा है भाई मैथ इस यूपी पुलिस कांस्टेबल में। वैकेंसी की बात करो तो बहुत सारी वैकेंसी दिसंबर तक है आपके पास और सिलेबस भी ग्रुप डी से मिलता जुलता। अब हम बात करते हैं आरआरबी जेई के फॉर्म की। जेई के सीबीटी 1 में, इसके मतलब प्रीलिम्स एग्जाम में मैथ्स की बात करें तो 30 नंबर की मैथ होती है और 30 क्वेश्चन होते हैं। भाई साहब अच्छा वेटेज है इसका, 90 मिनट के पेपर में 30 क्वेश्चन मैथ्स के, और ये सिलेबस होता है इसका, इसमें ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। अगले एग्जाम की बात करते हैं तो इसका सीबीटी 2 होता है। सीबीटी 2 में मैथ्स का वेटेज नहीं होता है, लेकिन सीबीटी 2 तक पहुंचने के लिए मैथ्स जरूरी है क्योंकि सीबीटी 1 है, बात समझना। ठीक, अगली बात करते हैं एलपी और टेक्नीशियन की। एलपी टेक्नीशियन के सीबीटी 1 में, इसकी प्रायोग मतलब प्रीलिम्स परीक्षा में अगर बात की जाए तो 20 नंबर की मैथ होती है भाई साहब, जिसका एग्जाम होता है 60 मिनट का 1 घंटे में। इसका मतलब 1 घंटे में सारे सब्जेक्ट के अगर आपको आंसर देने हैं तो उसके लिए मैथ के जो 20 क्वेश्चन होंगे उसको करने के लिए आपका जो एफिशिएंसी, आपकी जो दक्षता, स्पीड होनी चाहिए, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और ये सारी चीजें मैं आपको सिखाने ही वाला रहता हूं, हमेशा के लिए सिखाता ही हूं हर अपनी क्लास में। अगली बात करता हूं तो एएलपी एंड टेक्नीशियन का सीबीटी 2 होता है, जिसमें भी मैथ होती है 25 नंबर की, 25 क्वेश्चन के साथ। तो एएलपी एंड टेक्नीशियन के फॉर्म के लिए जितने भी बच्चे अप्लाई करेंगे वो मैथ से अपने आप को दूर नहीं कर सकते। पहले में 20, दूसरे में 25, यानी 45 नंबर की मैथ, और समय के अनुसार देखते हुए, यानी स्पीड होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए, सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए, और ये तभी हो सकती है जब आप फॉर्म भरने से पहले अपनी तैयारी को सुदृढ़ करते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे बात करते हैं अगली भर्ती की, तो ये एसएससी जीडी। इसमें मैथ्स की बात की जाए तो 25 नंबर की मैथ्स इसमें भी आपका इंतजार करेगी, और ये मैथ अगर इसकी बात करें तो इसमें भी एडवांस मैथ नहीं के बराबर होती है, एडवांस मैथ इसमें भी ना के बराबर होती है। हाँ, अगर मैं इन भर्ती परीक्षाओं की बात करता हूं, एएलपी की, इसमें एडवांस मैथ होती है, और आरआरबी जेई की, इसमें एडवांस मैथ होती है। लेकिन मैं बाकी जिन परीक्षाओं की बात कर रहा हूं, जैसे एएलपी की, एएलपी में क्या होता है, इसमें मैथ्स
होती तो है 25 नंबर की, लेकिन पूरी की पूरी मैथ जो होती है एरिथमेटिक होती है, एडवांस मैथ का पोर्शन इसमें नहीं होता। और भैया 25 नंबर कहीं के थोड़े नहीं होते। तो ये सारी वो परीक्षाएं हैं, अपकमिंग परीक्षाएं हैं, जिसमें आपको क्या है, जिसमें आपको केवल और केवल मैथ्स मिलेगी, वो भी अच्छी खासी मैथ्स मिलेगी। और भैया लगभग लगभग मान के चलिए इन सभी परीक्षाओं में टोटल 1,10,000 वैकेंसी होंगी ऑल इंडिया लेवल पर। और आप कितनी तैयारी करते हो इसके लिए, ये भी आपको समझना रहेगा, आपका तैयारी कैसी चल रही है, क्या करना है उसके लिए। आपको फॉर्म भरकर तैयारी करनी है, तैयारी करने से के बाद फॉर्म भरना है। ये दो बातें होती हैं जो सिलेक्शन के करीब और दूर करती हैं। याद रखिएगा, हमेशा याद रखो, हमेशा हमेशा और हमेशा मेरी एक बात गांठ बांध लो भाई, कि तैयारी करने के बाद फॉर्म भरो, क्योंकि समय और पैसा दोनों आजकल कमाना बहुत मुश्किल है। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है और समय बचाना भी बहुत मुश्किल है, सबके बस की बात नहीं होती है। आज का बच्चा अपने समय को इस तरीके से वेस्ट कर रहा है जैसे उसके पास उसको उसकी कीमत नहीं पता, और ये कीमत पता चलती है लेकिन जब वो चीज हो जाती है, एग्जाम खत्म हो गया, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ उनसे पूछे कि समय की कीमत क्या थी, अगर वो समय सही ढंग से यूटिलाइज कर लिया होता तो आज वो भी उनकी लिस्ट में होता जिनका सिलेक्शन हो रहा है। तो ये सारी वैकेंसीज हैं जो आपका इंतजार करेंगी। तो इनके लिए मैं आपसे एक बार निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत अच्छे से तैयारी करिए मेरे साथ और पाठशाला रेलवे एग्जाम की टीम से जुड़िए। धन्यवाद।